जय हिंद बच्चों, आज हम लाइव आए हैं अपने केवीएस डेली रीजन आरओ डेली रीजन के प्रोग्राम के तहत। फर्स्ट लेसन है, थोड़ा टेक्नोलॉजिकल इशू है, उसको हम सॉल्व करेंगे। होपफुली इट विल वर्क फाइन। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि फटाफट जुड़ जाइए लाइन से, आपकी कोई भी क्वेरी होगी। Actually, I'm working on two gadgets. The one is for live and the another one is on my phone, so I can give your queries answer straight away. Here we go to start with the first lesson. It is a physical education class for 11th class. But if 12th class students also would like to join this class, they can, because they will be able to clear their basic doubts. नॉर्मली जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका बताएगा कि चेंजिंग ट्रेड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में बदलती हुई सामान्य प्रवृत्तियां और कैरियर। आप कैसे इसमें सफलता प्राप्त करेंगे, क्यों हमें फिजिकल एजुकेशन चूज करनी चाहिए और इसको चूज करने के बाद हमें क्या बेनिफिट होता है, इसके डिमांड क्यों है। स्टूडेंट्स, एक बात हम लोग क्लियर करेंगे कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, पहले आप उन वर्ड्स को तोड़ के उन वर्ड्स का मीनिंग निकालिए, तो आपको क्वेश्चन का मीनिंग अपने आप समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिखा है, अगर हम टॉपिक को पढ़ें, क्या टॉपिक है हमारा, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर। चेंजिंग मतलब बदलना, क्या अवधारणाएं बदल गई हैं फिजिकल एजुकेशन में, पहले कैसे फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, कैसे लोग इसको डील करते थे और अब कैसे पढ़ाई जाती है, तो क्या बदलाव उसमें हुए हैं। कैरियर, आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम इसको कंपेराइज करें तो कंप्लीटली जो एजुकेशन इसलिए दी जाती है कि बच्चे अपना कैरियर बनाएं इन डिफरेंट फील्ड्स, आइदर इन डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स, व्हाटएवर। तो जब वो अपना कैरियर बनाएंगे, इसी में नेक्स्ट वर्ड आता है आपका फिजिकल एजुकेशन, तो इन दो वर्ड्स को हम तोड़ेंगे। फिजिकल, आपका ये जो वर्ड है फिजिकल प्लस एजुकेशन, सबसे पहला हमारा जो काम है इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझना है क्या चीज, फिजिकल क्या है और एजुकेशन क्या है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। और हमें इस एजुकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, मैं कुछ कमेंट्स देख रही हूं, एक मिनट वेट करेंगे। द कमेंट इज देयर, विच क्लास इट इज, I already told you it's for the 11th class, but for the 12th class it's a basic concept. 12th class students अगर इसको join करेंगे तो एक basic concept उनका clear हो जाएगा कि physical education है क्या, and this lecture will be helpful for both the age groups, for 11th class students and 12th class students. Then where we were, physical education. क्या है physical education? Physical education से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि education क्या है, either in which subject. जो शिक्षा हम ले रहे हैं, क्या सिर्फ एक अपना कैरियर बना देना शिक्षा है, या अपने आप को डेवलप कर देना शिक्षा है, क्या है शिक्षा। तो एक सिंपल वर्ड्स में आता है, व्हाट इज एजुकेशन, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग न्यू एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड एजुकेशन। चाहे आप वो किसी भी सब्जेक्ट में करें, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपनी लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस लेते हैं तो वो एजुकेशन कहलाता है। अब एजुकेशन जरूरी नहीं है आपको स्कूल में ही मिल रही है, एक किसान जो खेत में अपने बेटे को खेती करना सिखा रहा है, एक कारीगर जो अपने बेटे को कारीगरी करना सिखा रहा है या और लोगों को कारीगरी सिखाता है, दैट्स ऑल कॉल्ड एजुकेशन, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस लर्न कर रहा है। और फिजिकल क्या है, फिजिकल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, शारीरिक, इन विच बॉडी एग्जिस्ट, जहां आपका शरीर विद्यमान होगा, दैट्स कॉल्ड फिजिकल। एक सिंपल सा मीनिंग फिजिकल एजुकेशन का निकल कर आया है कि क्या है, फिजिकल मींस इन विच योर बॉडी एग्जिस्ट। जेबी नैश, एक जेबी नैश फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है फिजिकल एजुकेशन की, एंड आई लव दैट डेफिनेशन, वेरी इजी डेफिनेशन। फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ द बॉडी थ्रू द बॉडी, शरीर के द्वारा शरीर को दी गई शिक्षा शारीरिक शिक्षा, कैसे, थ्रू डिफरेंट फिजिकल मूवमेंट्स। That's why it's called physical education, learning new experiences in which your body exists.
by taking participation in that activity and you are learning that activity comes in the physical education. आपको ये समझ आया? अभी एक मिनट का हम ब्रेक लेंगे क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ लूं कि बच्चों के जो डाउट्स आ रहे हैं उनको क्लियर करेंगे. तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए. एक विश्वजीत सर का आया है कि आपकी आवाज कम आ रही है. सर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हैव माई वॉइस ऑडिबल. लेट मी चेक इफ इट्स वॉइस इज प्रॉपर और नॉट. इट्स वर्किंग क्योंकि साइड बाय साइड में अपने फोन में भी अपने आप को लाइव देख रही हूँ तो मेरी वॉइस वहां क्लियर है. हो सकता है आपके यहाँ इंटरनेट का कनेक्शन पुअर हो सर. प्लीज चेक दैट कनेक्शन एंड कम अगेन विद मी. तो स्टूडेंट्स अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या है. अब हम आगे चलते हैं. अब फिजिकल एजुकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? बेटा देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें एक इंट्रोडक्शन फर्स्ट नंबर पर देना चाहिए कि कुछ भी चीज अगर पूछी है एग्जामिनर ने या आपके दिमाग में भी आया है तो इंट्रोडक्शन उस वर्ड का जाता है. तो क्या इंट्रोडक्शन है कि आज की टेक्नोलॉजी की वजह से या हमारे डिफरेंट लाइफस्टाइल की वजह से या जो भी रीजन लगा लें हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो बहुत कम हो गई हैं. हम आकर सुकुड़ गए हैं एक जगह जहां हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है. कैसे? आप कहीं मॉल में जाते हैं तो स्टेयर्स यूज करने की बजाय आप एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स यूज कर रहे हैं. फिजिकल एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट हो गई. स्कूल जाने के लिए आपको घर के डोर स्टेप पे ही बस मिल रही है. आप स्कूल जा रहे हैं स्कूल के डोर स्टेप से फिर आप वापस घर आ रहे हैं जहां पैदल आना जाना होता था. फिजिकल एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है जो कनेक्टेड है हमारा मेंटल और सोशल डेवलपमेंट से. ध्यान रखना कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट इज आर ऑन प्रायोरिटी बेस. फिजिकली आप डेवलप हैं तो ही आप मेंटली सोशली साइकोलॉजिकली इमोशनली फिजियोलॉजिकली डेवलप हो पाएंगे. देन द बेसिक रूट इज फिजिकल डेवलपमेंट. वो आपका जब कम होता जा रहा है तो बाकी एक्टिविटीज भी कम होती जा रही हैं. यही रीजन है कि जो मनुष्य है उसकी एवरेज एज जहां 400 इयर्स थी अगर महाभारत युग की बात करें तो 400 इयर्स थी. भीष्म पितामह खुद 182 या 183 साल के थे जब वो युद्ध में खेल रहे थे. तो वो बाद में आ गई 200 उसके बाद आ गई 100 और आज के टाइम की 100 आपके दादा दादी बहुत सारे लोग हैं जो 100 प्लस हैं. अभी भी आप देखते होंगे कि 100 वर्ष तक मनुष्य जी रहा है. लेकिन आज की एवरेज एज कितनी आ गई है? नियरली 50. आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज ये कॉमन हो गया है. हार्ट डिजीज बीपी शुगर और इन डिजीज को क्या बोल दिया गया है? लाइफस्टाइल डिजीज. क्यों? क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में चेंज आने की वजह से ये डिजीज आई है. नॉर्मल ये डिजीज हमारी बॉडी में नहीं है. आपने खाना पीना बाहर का फास्ट फूड शुरू कर दिया तो क्या हो गया? आप डायबिटिक हो गए. आपने जो एनवायरमेंट है उसमें ऐसी चीजें डेवलप कर ली अपने आसपास, सॉफ्ट गद्दे पे सोना एसी में सोना, तो आपके अंदर हाइपरटेंशन बीपी शुगर ये सारी डिजीज आ गई है और जिनको बोला गया लाइफस्टाइल डिजीज. ये कोई डिजीज नहीं है. आपके लाइफस्टाइल को अगर आप ठीक कर लोगे तो नॉर्मल ये डिजीज भी अपने आप खत्म हो जाएंगी. अब हमें इसीलिए फिजिकल एजुकेशन की जरूरत पड़ी और इसी वजह से डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट नेशन की गवर्नमेंट्स ने फिजिकल एजुकेशन को एक सब्जेक्ट के तौर पे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू किया. पहले इसको एक नॉर्मल लिया जाता था कि पीटी एक्सरसाइज है, गेम पीरियड की तरह एक फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाना है कि बच्चों को छोड़ दो वो खेलेंगे. लेकिन आज का जो ट्रेंड है वो डिफरेंट है. इसको साइंस के साथ जोड़ के बच्चों को इसको रीड कराया जा रहा है. ओके नाउ कम टू अगेन पॉइंट द फिजिकल एजुकेशन. हमने आपको जेबी नैश की डेफिनेशन बताई थी कि फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ द बॉडी थ्रू द बॉडी. शरीर के द्वारा शरीर को दी गई शिक्षा शारीरिक शिक्षा. एक और डेफिनेशन बड़ी पॉपुलर है वो है डेल्बर्ट ऑबर्ट यूफर की. फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम टू एन इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट. ध्यान देना सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस. एक्सपीरियंसेस क्या है? मैंने पहले बताया था आपको एजुकेशन. तो शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो आपकी पर्सनैलिटी में आपके व्यक्तित्व में आ गए हैं थ्रू फिजिकल मूवमेंट शारीरिक गतिविधियों के द्वारा. आशा करती हूं आपको ये फिजिकल एजुकेशन का और एजुकेशन का मीनिंग समझ आया होगा. अगर हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है एम एंड ऑब्जेक्टिव. स्टूडेंट्स एक चीज क्लियर करना बेटा, फिजिकल एजुकेशन
फिजिकल एजुकेशन नहीं, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो एक टॉपिक लेके चलते हैं हम, पहले क्लियर कर ले कि एम है क्या चीज, लक्ष्य और उद्देश्य। आप दो बातें करते हैं, एक है लक्ष्य, एक है उद्देश्य। जो ज्यादातर देखा गया है बच्चे इन दोनों को सेम लेते हैं, सेम पैटर्न फॉलो करते हैं कि लक्ष्य उद्देश्य आपका सेम है। मैं आपको एक बहुत सिंपल वर्ड्स में आज समझाऊंगी कि एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम है आपका लक्ष्य, लक्ष्य क्या है आपका बेटा? लक्ष्य हमेशा एक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका किसी का एम हो सकता है उसे डॉक्टर बनना है, किसी का जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है उनका एम हो सकता है उन्हें इंजीनियर बनना है, जो आर्ट पढ़ रहा है उस बच्चे का एम हो सकता है उसे यूपीएससी का एंट्रेंस क्लियर करना, आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनना है, कॉमर्स वाले का एम चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी अकाउंटेंट बनना है उनको, सीए कंपनी सेक्रेटरी बनना है। तो एम उनका एक है और उस एम को अचीव करने में जो आप डिफरेंट स्टेयर्स चढ़ते हो दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। गेटिंग माय पॉइंट? एम को प्राप्त करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स फॉलो किए गए हैं दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। तो एम इज ऑलवेज वन एंड द स्टेप्स व्हिच आर वी आर गोइंग टू टेक टुवर्ड्स द एम दैट्स कॉल्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फिजिकल एजुकेशन के एम की बात करें तो क्या होगा शारीरिक शिक्षा का एम? ओवरऑल डेवलपमेंट। ये आपका शारीरिक शिक्षा का एम है, आपकी बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट। अब इस ओवरऑल डेवलपमेंट को हम अचीव कैसे करेंगे, इसके लिए आपने एक चार्ट बना दिया। ये अच्छा है, आप अपने एग्जाम में भी अगर इस चार्ट को अटेम्प्ट करोगे। इट दिस एम एंड ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट ओनली रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन। ये कॉन्सेप्ट है जो आपके हर सब्जेक्ट के लिए आपको क्लियर करेगा। आपने देखा, आपने एक एम बना दिया है ओवरऑल डेवलपमेंट। अब ये ओवरऑल डेवलपमेंट मिलेगा कैसे एक इंडिविजुअल को? डिफरेंट माइलस्टोन्स को उन्हें क्लियर करना पड़ेगा, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को। तो फिजिकल एजुकेशन की बात करें, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि अगर आपको बाय कंपनी सेक्रेटरी बनना है या फिर हम डॉक्टर की बात करते हैं, आपका एम है डॉक्टर बनना, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फर्स्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? 10th क्लियरेंस विद गुड मार्क्स। अगर आपके 10th में गुड मार्क्स नहीं आए हैं तो आपको मेडिकल लाइन में एडमिशन नहीं मिलेगा। फर्स्ट माइलस्टोन आपने क्लियर किया 10th। सेकंड स्टेप क्या होगा? आपको 12th में मेडिकल से स्टडी करनी होगी। अगर आपने 12th में ज्योग्राफी हिस्ट्री से स्टडी की है तो भी आप आगे जाके अपना डॉक्टर वाला एम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है? आपको बायो लेनी पड़ेगी ऑप्शंस में। बायो सब्जेक्ट आपने पढ़ा, 12th के बाद आप क्या करेंगे? एमबीबीएस का एंट्रेंस क्लियर करेंगे, उस एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, एमबीबीएस करेंगे आप एडमिशन, फिर उसके बाद अगर आपको और करना है तो एमडी करेंगे, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे किसी हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट जॉब लगेंगे, देन फाइनली यू विल बी अ डॉक्टर। गॉट इट? दे ऑल वर द ऑब्जेक्टिव्स एंड यू अचीव योर एम एट लास्ट। तो इसी तरह फिजिकल एजुकेशन की जब हम बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा विकास होना चाहिए व्यक्ति का? व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व की अगर विकास की बात करें तो सबसे पहले विकास आता है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। एक वो भी है ना कहावत कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ योर हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट। तो फिजिकल डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। अगर आप फिजिकली डेवलप नहीं है तो आप ओवरऑल डेवलपमेंट के स्टेप्स को, अपने एम को नहीं अचीव कर पाएंगे। आप अपने आप को फिजिकली डेवलप करेंगे थ्रू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, थ्रू एक्सरसाइज, एरोबिक्स, योगा एंड व्हाटएवर, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट है उसको आपके लिए, आपको उसको प्राप्त करने के लिए पसीना बहाना ही पड़ेगा। आप बेड पर लेटे लेटे नहीं कह सकते फिजिकली डेवलपमेंट हो जाए, मेरा शारीरिक विकास हो जाए, खाते रहोगे, फास्ट फूड खा रहे हो, आपको हेल्थ कॉन्शियस होना ही पड़ेगा। फास्ट फूड को अवॉइड करके हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, तभी आप फिजिकली डेवलप हो सकते हो, शारीरिक विकास अपना कर सकते हो। इसलिए बच्चों को बोला गया है कि वो जितना ज्यादा अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही ज्यादा उनका फिजिकली डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये एज है। आप इस टाइम अपनी मसल्स को, एक है ना एक्टिविटी कि अगर हम इस हाथ को, सभी का राइट हैंड क्यों स्ट्रांग होता है,
क्यों ये लेफ्ट की बजाय जो मोस्टली ज्यादातर हैं जो राइटी हैं, क्योंकि वो राइट हैंड से ज्यादा काम करते हैं, उसी वजह से उनका राइट हैंड स्ट्रांग हो जाता है. सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई ऑन मसल्स. जब आप मसल्स से जितना ज्यादा काम करोगे तो मसल्स एक्टिव होकर आपको फिजिकली डेवलप करेंगे. द सेकेंड फिजिकली डेवलपमेंट के बाद सेकेंड एम क्या आएगा फिजिकली डेवलप हो तो, अब साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट. मानसिक रूप से भी आपका विकास होना चाहिए. आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम भी मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए उस विकास को, उस डेवलपमेंट को अपने ऊपर अडॉप्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने कई देखे होंगे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी कई बार सुसाइड कर जाते हैं. फिजिकली बहुत डेवलप होते हैं, अच्छी बॉडी फिजिक होती है उनकी, लेकिन वो सुसाइड कर जाते हैं. बहुत सारे नेता ऐसे हैं, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर में न्यूज़पेपर्स में पढ़ रही थी कि एक आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया, फांसी ले ली, अपनी गन से अपने आप को शूट कर लिया. क्यों? क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था. उनका मेंटल डेवलपमेंट भी इसी में आ जाएगा कि वो सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. साइकोलॉजी में आपका आ जाता है फियर, एंगर, एंजाइटी. आप चिंतित हो जाते हैं. एक नॉर्मल एंजाइटी जो लेवल है वो आपका ठीक है, लेकिन जब वो टेंशन में आ जाए और डिप्रेशन में आ जाए तो वो ऐसा लेवल आ जाता है कि एक इंडिविजुअल सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है. क्यों? फिजिकली तो वो डेवलप हो गया, लेकिन साइकोलॉजिकली वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया. आपने जब डॉक्टर का एमबीबीएस का एग्जाम दिया और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, बच्चे क्या करते हैं? सुसाइड अटेम्प्ट कर देते हैं. क्यों कर रहे हैं? फिजिकली डेवलपमेंट है, बॉडी अच्छी खासी उनकी दिख रहा है, बीएमआई ओके है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली अपने आप को रेडी ही नहीं कर पाए कि एक माइलस्टोन हमारा रह गया तो हम उसका दोबारा अटेम्प्ट ले सकते हैं. कौन सा कुंभ का मेला है, फिर आ जाएगा. हमें ये थॉट रखनी चाहिए ना. मानसिक विकास और हमारा मनोवैज्ञानिक विकास दोनों पैरेलल पैरेलल चलते हैं. हमें ये डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट के बाद इस डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए. और अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो साइकोलॉजिकल मेंटल डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ हेल्पफुल है तो अपने जो योगिक ग्रंथ बताते हैं वो है प्राणायाम. एक्सरसाइज आपके आगे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, प्राणायाम आगे आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट. हो सकता है कुछ बुक्स में आपको ये नाम मिले फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट. फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिकल डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. कैसे? फिजियोलॉजी क्या है बेटा? जो आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी, उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है, उनका फंक्शन कैसे होता है, कैसे वो ऑर्गन्स काम करते हैं, आपका हार्ट, लीवर, किडनी, ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन वगैरह जो भी आपके बॉडी के अंदर हैं, जो विजिबल नहीं है, आपको नहीं दिख रहे हैं, उनका काम कैसे हो रहा है, दैट्स कम अंडर फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट. अब आप साइकोलॉजिकली डेवलप हैं, फिजिकली डेवलप हैं, लेकिन क्या होता है, एक हट्टा खट्टा पुरुष जो मेंटली भी बहुत अच्छा प्रिपेयर है, मानसिक रूप से भी, साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर है, शारीरिक रूप से भी हष्टपुष्ट है, लेकिन उसको सडनली हार्ट अटैक आ जाता है, उसका बीपी लो हो जाता है. क्यों? उसका फिजियोलॉजिकल जो ऑर्गन्स है, बीपी लो होने में काफी हद तक तो हमारा टेंशन, साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, हमारी ग्लैंड्स पे जो प्रेशर पड़ता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कहीं हद तक हमारा फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी पुअर है. हार्ट अटैक आ रहा है तो हमारा हार्ट पुअर है. जंक फूड खा खा के हम ऊपर से तो हष्टपुष्ट हो रहे हैं, प्रोटीन्स न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, लेकिन हमारी हार्ट की जो ऑर्टा आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आ रहा है, ब्लड पूरा पंप नहीं कर पा रहा, हमारा फिजियोलॉजिकल ऑर्गन पूरी तरह डेवलप नहीं है. तो हमें फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करना है अपने हर सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, एवरी सिस्टम हमें उसको डेवलप रखना है, दैट्स कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट. अब आगे बात करते हैं. ओके, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है यहाँ पर, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. ये आपका फिजिकल फिटनेस का एक कंपोनेंट भी है. क्या है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन? न्यूरो रिलेटेड करता है आपके नर्वस सिस्टम से और मस्कुलर रिलेटेड करता है आपके मस्कुलर सिस्टम से. कोऑर्डिनेशन, आपसी तालमेल. मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी चीज की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो जो उसमें वर्ड्स हैं उनको तोड़ लो और उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है वो समझो, तो आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा. नर्वस सिस्टम का मसल्स के साथ कैसा तालमेल है, दैट्स कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. रिफ्लेक्स एक्शन हमारे जो स्पाइनल कोड से होते हैं उसमें, उसको हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपको किसी ने पिन चुभाई और पिन चुभाते ही आप अपना हाथ पीछे करते हो, या आग पर हाथ जाता है तो जलते ही आप अपना हाथ पीछे करते हो. क्यों करते हो? क्योंकि हमारे ब्रेन से, हमारे स्पाइनल कोड से सिग्नल आया है मसल्स को इन्हें हटा दो, तो वो हम उस सिग्नल को फॉलो करते हैं, दैट्स कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन.
पुअर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का आपको एग्जांपल देती हूँ मैं. आप कहीं रूम में बैठे हो और एकदम से वहां स्नेक आ जाए या फिर कोई भी जंगली जानवर टाइगर आ जाए, तो जिसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा है वो क्या करेगा, नर्वस सिस्टम ने सिग्नल दे दिया कि हियर इज अ स्नेक एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. लेकिन जिसका नर्वस सिस्टम सिग्नल तो दे रहा है, उसको क्या आ गया, साइकोलॉजिकल प्रेशर आ गया और वो वहां से उठ ही नहीं पा रहा. स्नेक आ रहा है, फन उठा लिया साथने, उसको डंक मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पुअर होने की वजह से वो वहां से मूवमेंट नहीं कर पाता और वहीं उसका शरीर सुन्न हो जाता है, ठंडा हो जाता है बिकॉज ऑफ पुअर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. और अगर वो एक्टिव होगा तो वो फटाफट वहां से जंप करेगा या लाठी वाठी से सांप को साइड में करेगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा. दैट्स व्हाई इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस विच वी नीड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. एक मिनट का ब्रेक हम फिर लेंगे बेटा. मैं देख लूं एक बार किसी का कोई कमेंट है तो उसका हम साथ के साथ रिप्लाई करेंगे. यहां पर एक कमेंट आया है कि इज दिस फॉर 10th क्लास. आई एडवाइस यू स्टूडेंट्स, इफ यू आर इन 10th क्लास यू कैन अटेंड माई क्लास एज वेल बिकॉज इट्स फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. आप किसी भी क्लास में हो तो फिजिकली डेवलपमेंट आपका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन क्या है. और आपका गेम पीरियड होता है तो आपको इस चीज की नॉलेज होगी, तो आगे आप अपना करियर अगर आप फिजिकल एजुकेशन में बनाना चाहेंगे तो आपका बेस यहाँ से क्लियर होगा. गिव मी अ सेक स्टूडेंट्स, आई विल बी बैक. Yes, please. हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव्स की. एम हमारा क्लियर है, ऑब्जेक्टिव्स. और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमारा? ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं, आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं और इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है. कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए. फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो गया. और क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो यहाँ नहीं है और उसको होना चाहिए, वो है सोशल डेवलपमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, आपको सोशली डेवलप होना चाहिए. अगर आज के प्रेजेंट सिनारियो की हम बात करें, अगर आप सोशली डेवलप नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो जो गवर्नमेंट हमें इंस्ट्रक्शंस दे रही है, वर्क फ्रॉम होम, स्टे सेफ, और अगर आप बीमार हैं तो मास्क लगाइए. कई लोग क्या होते हैं कि खुद को खांसी जुकाम है तो वो क्या करेंगे, हमें है तो औरों को भी होने दो, क्या परवाह है, मास्क नहीं लगाएंगे और ओपनली ऐसे ही घूमेंगे. आप बीमार, कई बीमार हैं तो खासकर जानबूझ के, ताकि हम तो मरे ही मरे और भी मर जाएं, मैं तो फेल होऊंगा ही होऊंगा, अपने साथी को भी डुआ, नहीं तो पापा कहेंगे अकेला फेल हो गया है ना. तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए सोशली डेवलपमेंट, ये नहीं है. सोशल डेवलपमेंट है कि आपका कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन और डिसिप्लिन, थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशल डेवलपमेंट. सामाजिक विकास, आपका कॉपरेशन, आपका सहयोग होना चाहिए सभी को, अपने पड़ोसियों को, पड़ोसियों से पहले अपने घर में ही आ जाओ, अपने घर वालों को आपका सहयोग होना चाहिए, बड़ों को, माता पिता को. आपके मम्मी पापा कहते हैं तो कुछ आपके भले के लिए कह रहे हैं, आपके टीचर कह रहे हैं तो. और उसके बाद आपका सोसाइटी में सहयोग होना चाहिए, कोई नीडी है उसकी हेल्प करना, जैसे आजकल के जो सोशली डेवलप्ड पर्सन है वो भूखों को खाना भी खिला रहे हैं, अपनी सैलरी को डोनेट कर रहे हैं, या फिर हमारी सरकार की सहायता कर रहे हैं वॉलंटियर बनके. सेकंड होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, तालमेल. अब ऐसा ना हो कि आप मदद तो करना चाह रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट से तालमेल नहीं कर रहे. अब गवर्नमेंट ने अगर किसी एरिया को सील कर दिया और आप वहां जाकर कहेंगे कि हमें तो यहीं पे भूखों को खाना खिलाना है, दैट्स नॉट कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. आप गवर्नमेंट के साथ, उनके वहां के जो वर्कर्स हैं उनके साथ तालमेल कीजिए, दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. एंड द थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ, दैट इज डिसिप्लिन, अनुशासन. आपका लाइफ में अनुशासन होना चाहिए राइट फ्रॉम द अर्ली इन द बेड. जब आप अपने बिस्तर को छोड़ते हो वहीं से आपका अनुशासन शुरू हो जाता है. इसको एक बोझ की तरह नहीं लेना है हमें. डिसिप्लिन है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हमारी लाइफ का. कि डिसिप्लिन क्या है, आप अपना रूटीन बनाइए लाइफ को जीने का, उसी वजह से आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, साइकोलॉजिकल भी, फिजियोलॉजिकल भी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी, आपका सोशल डेवलपमेंट भी. आप समय से उठेंगे, समय से खाएंगे, अपने फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान देंगे, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, अपने एल्डर्स को ऑबे करेंगे. सही और गलत की पहचान आप में अपने आप हो जाती है. आप कोई भी गलत काम करते हैं तो आपका दिल आपको बता देता है इट्स अ रॉन्ग थिंग, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट. और आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको मन में प्रसन्नता होती है, हर्ष होता है, उल्लास होता है. तो आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, आपकी सॉल, आपका जो मन है आपको खुद बता देता है ये काम सही है, ये काम गलत. तो जिसकी मन आपको आज्ञा दे उस काम को हम करना चाहिए. तो सोशल डेवलपमेंट में हमें डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं यहाँ पर.
बाकी जो और भी हैं हम चार पांच चीजें रख सकते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जितना आप इसको बढ़ाना चाहें। लेकिन अगर मेन फैक्टर्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स 5 हैं। अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग ऑब्जेक्टिव बताए हैं। होप करती हूँ आपको यहाँ तक एम एंड ऑब्जेक्टिव का चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अब इससे आगे हम चलते हैं। ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है आजकल वो डिपेंड हो गया है इस सिर्फ कैरियर ऑप्शंस। ये कैरियर ऑप्शंस क्या है उस फील्ड में तभी हम स्टडी करेंगे। पेरेंट्स भी इस चीज को लेके बहुत कॉन्सेंट्रेट होते हैं कि इसमें आगे संभावना क्या है, आगे अर्निंग ऑप्शंस क्या है, हम इसमें कैसे अपने कैरियर को बना सकते हैं जो हम इस सब्जेक्ट को चूज करें। लाइक अदर सब्जेक्ट इन फिजिकल एजुकेशन देयर आर लॉट्स ऑफ कैरियर ऑप्शंस। अगर एक नॉर्मली प्रैक्टिकली बात करें तो मैं अपने आप से शुरू करती हूँ, मैंने फिजिकल एजुकेशन में अपना कैरियर बनाया, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे वो हम बाद में स्टडी करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए। हम फर्स्ट बात करते हैं कैरियर एज अ टीचर ही हम बात करते हैं बिकॉज आई एम अ टीचर। एज अ टीचर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आप टीचर्स में भी कैटेगरीज आती हैं आपकी पीटी पीटीआई और लेक्चर। फिजिकल एजुकेशन टीचर पीटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर पीटीआई, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर। पीटीआई जो होते हैं बेटा वो होते हैं आपके फिफ्थ क्लास तक के लिए, जो आपकी फिफ्थ क्लास तक के लिए होती हैं। और इसके लिए अगर हम कोर्स की बात करें पीटीआई के कोर्स के लिए सर्टिफिकेट कोर्स होता है सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, वी कॉल इट सीपीएड। और ये कोर्स होता है आपका आफ्टर 12th। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन में बहुत जल्दी अपने कैरियर को डेवलप करना चाहते हैं, छोटे बच्चों के साथ इंगेज होना चाहते हैं, देन यू हैव टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन आफ्टर 12th। 1 ईयर और 2 ईयर का ये कोर्स है, उसके बाद आप पीटीआई का एंट्रेंस क्लियर करके इस जॉब को ले सकते हैं। सेकेंड है पीटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर। इट कैन बी अप टू द ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में आप 10th तक के बच्चों को करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आप 12th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। आप फिजिकल एजुकेशन टीच करने के साथ साथ उनके प्रैक्टिकल क्लास, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। आप क्लास में जो कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकली हमें ग्राउंड में करके देखना पड़ेगा। ओनली दैट इज द वे वी कैन अडॉप्ट दिस स्किल्स वेरी फास्ट एंड इन एक्यूरेट वे। देन लेक्चर मेथड की अगर हम बात करें, लेक्चरर की बात करते हैं, तो मोस्टली कॉन्सेप्ट आता है कॉलेजेस में। कॉलेज में हम लेक्चरर करते हैं, लेकिन लेक्चरर को भी हमने 3 कैटेगरी में डिफाइन कर रखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप क्या बन सकते हैं, मैं आपको इसलिए बता रही हूं आप इसमें कहां तक जा सकते हैं। सेकेंड होता है आपका एसोसिएट प्रोफेसर और थर्ड होता है आपका प्रोफेसर। अगर गवर्नमेंट नॉर्म्स की बात करें तो पीटी के लिए हमें क्या चाहिए, बीपीएड बैचुलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन या डीपीएड, द सेम थिंग। बैचुलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आप आफ्टर 12th 4 ईयर्स कोर्स है वो भी कर सकते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको कराती हैं। डीपीएड होता है 1 ईयर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, आपने बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी किया, उसके बाद आप 1 ईयर का डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन करते हैं तो भी आप पीटी के लिए एलिजिबल हैं, या बीएससी इन स्पोर्ट्स। ये तीनों कोर्स हैं, आप इनमें से किसी को भी कर लेंगे तो आप पीटी के लिए एलिजिबल होंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। केवीएस हो, नवोदय हो, दिल्ली गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हो, उसमें जो भी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर इनमें से आपने कोई भी डिग्री ली हुई है। अब दूसरा बात करते हैं लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या डिग्री होनी चाहिए, इनका जो बेसिक है वो है आपका मास्टर्स एमपीएड। आफ्टर बीपीएड वी डू मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड देन यू मस्ट हैव नेट क्वालिफाइड। नेट एक टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आप मास्टर्स के मास्टर डिग्री के बाद देते हैं और यूजीसी इसको कंडक्ट करती है। ये टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर नेट नहीं है तो कुछ केसेस में कंसेशन दिया जाता है, वो होता है पीएचडी का 2009। डिफरेंट रूल्स आर देयर। डॉक्टरेट इन फिलोसफी, आप फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई टू असिस्टेंट प्रोफेसर। और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की हायर पोस्ट है, आपको आप डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं बन सकते, यू हैव टू गो थ्रू विद दिस स्टेप। चलो अब आगे बात करते हैं। एज अ टीचर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
टीचर में भी आपको चार पांच ऑप्शंस थे, तो सेकंड करियर ऑप्शन क्या होगा आपका? एज अ कोच। देखो बेटा, इस चीज को मैं आपको क्लियर करूं, टीचर और कोच में फर्क होता है। टीचर कौन है? जो आपको पढ़ा रहा है, फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग दे रहा है, आपको सिखा रहा है। और कोच क्या कर रहा है? कोच आपके अंदर स्किल डेवलप करता है। स्किल किस चीज की डेवलप करता है? एक पर्टिकुलर गेम की। फिजिकल एजुकेशन टीचर है, वो आपको सारे गेम्स का बेसिक करा रहा है, ये गेम होते हैं, टीम गेम्स, इंडिविजुअल गेम्स। लेकिन जो कोच होगा, वो एक पर्टिकुलर गेम की स्किल्स ही आपके अंदर डेवलप करेगा, उस गेम को ही आपको सिखाएगा, चाहे वो स्पेसिफिक स्किल्स हो या जनरल स्किल्स हो। और कोच के लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? NIS, 1 year और 2 year NIS होती है। अगर आप प्रैक्टिकली हम मेरी ही बात करें, तो मैं इस कोच की पोस्ट पे अपने आप को कभी भी नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मैं NIS नहीं हूं। NIS के लिए भी आपको चाहिए कि पहले आप ग्रेजुएट होंगे। ग्रेजुएट के बाद आप जो NIS आपका सेंटर है, उसमें एक एलिजिबिलिटी कंडीशन और है, आपका स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने BSc कर ली, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो गए और आप कभी इंटर कॉलेज नहीं खेले, नेशनल्स नहीं खेले किसी गेम में, और डायरेक्ट NIS कर ले। नो, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पर्टिकुलर जो गेम में जिस बंदे का फिजिकल कैरियर आ रहा है ऑलरेडी, आप इसमें तो कर सकते हैं। जो PET है, आपने BA करी, जरूरी नहीं है आपके पास फिजिकल एजुकेशन हो, लेकिन स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड वहां भी होना चाहिए, आप खेले होने चाहिए, तो ही आप PPED कर सकते हैं। इसमें तो आपको नेशनल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द एंट्रेंस एग्जाम फॉर NIS, देन फिजिकल विल बी देयर, देन यू क्लियर दैट फिजिकल, देन यू हैव टू स्टे इन द कैंपस फॉर द 1 year और 2 year टू लर्न द स्पेसिफिक स्किल्स, देन यू बिकम अ कोच। इट्स बिट हार्ड टास्क। तो कोच का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और कोच एक पर्टिकुलर जिस भी गेम में आपने NIS की है, कई बंदे ऐसे होते हैं वो 2 games में NIS कर लेते हैं, मान लो जूडो में कर लिया आपने और बॉक्सिंग में कर लिया, तो आप दोनों गेम के कोच लग सकते हैं, अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में या कैसे भी आप अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। लेकिन जिस भी गेम में आपके NIS है, आप उसी गेम के पर्टिकुलर कोच हो सकते हैं। अगर हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात करें, तो गवर्नमेंट ने अभी चलाया है कि कोच इज कॉल्ड हु इज गिविंग कोचिंग। इट्स राइट, जो भी कोचिंग दे रहा है उसको कोच है। लेकिन गवर्नमेंट नॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो उसको हम एज अ क्वालिफाइड कोच नहीं कह सकते। क्वालिफाइड कोच के लिए आपको एक पर्टिकुलर डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए NIS। We will take 1 minute break again. Let me see the comments if any question is there. There one student is saying, ma'am, your voice is not clear. I'm not sure what's happening. क्यों नहीं मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि iPad पे जब मैंने वो चला रखा है वीडियो, वहां से है विजिबल। और अपने फोन में अगर मैं देखो, मैं अपने फोन में अभी लाइव हूँ, तो मैं देख रही हूँ, तो मेरी आवाज क्लियर है? Here it is. Voice is clear. Okay. आगे फिजिकल एजुकेशन का एज अ टीचर, एज अ कोच, थर्ड कैरियर एस्पेक्ट क्या होगा इसका? थर्ड कैरियर ऑप्शंस हमारे पास क्या हो सकते हैं कि अगर हम इसकी आगे बात करते हैं, तो हेल्थ रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस। आपका जो हेल्थ है, हेल्थ रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कैसी गवर्नमेंट्स की ऐसी स्कीम्स होती हैं कि जब आप डिप्लोमा कर लिया, आपने DPED कर लिया, तो हेल्थ में क्या आ जाएगा आपका? जिम आ जाता है, जिम में आप अपनी हेल्थ को डेवलप करते हो, तो ये भी कैरियर ऑप्शंस इसमें आएगा। जिम, क्लब्स, अकेडमी, आप डिफरेंट अकेडमी खोल सकते हो, दे ऑल आर कम्स इन दी दिस ऑप्शंस। फोर्थ हम किस में करें? अगर हम मीडिया में बात करें, मीडिया से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस क्या होगा? आपको खुद पता है मीडिया से रिलेटेड स्पोर्ट्स के इतने इवेंट्स होते हैं आजकल, तो बहुत ज्यादा खेलो इंडिया, ओलंपिक्स, जितने भी इवेंट्स हैं, तो वहाँ मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है जो आप तक उस नॉलेज को पहुंचाते हैं। न्यूज चैनल्स अलग हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स का पर्टिकुलर चैनल्स भी हैं हमारे, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स मैगजीन्स हैं, आप एज अ राइटर उसमें हो सकते हैं, एज अ क्या होगा मीडिया में, आप कैमरामैन, आर्टिकल राइटर, और वहां पर जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और पब्लिश करते हैं मीडिया के अंदर, प्रेस के अंदर आप अपना कर सकते हैं परफॉर्म। और इसके अलावा जो आएगा आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड। अब होता क्या है बेटा कि कैरियर ऑप्शन की बात करें, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें तो सिर्फ खेलना है, दैट इज ऑल्सो कॉल योर कैरियर ऑप्शन। आप जब परफॉर्मेंस देते हैं किसी भी इवेंट में, एक गेम को आप जब अच्छे से करते हैं, तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जितनी भी आर्मीज हैं, आर्मी बेल्ट की नौकरी है, जितनी भी रेलवे हो, CISF हो,
सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, उन सभी में गेम बेस पर आपकी भर्ती होती है और आपको वहां जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस चाहो, जब तक आप चाहो अपना गेम करते हो, उसके बाद आप जनरल ड्यूटी पे चले जाते हो। तो एक एज है लाइक अप टू 45 इयर्स ऑफ एज, 50 इयर्स ऑफ एज, यू स्टे देयर इन द कैंपस ऑफ दैट पर्टिकुलर बेल्ट जॉब एंड यू हैव टू प्ले ओनली फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सीआरपीएफ में की अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ छावला में एक सेंटर था पहले आर्चरी का, अभी वो सेंटर आपका इंदौर में शिफ्ट कर दिया है। तो उन प्लेयर्स को जो घर बैठ के अपना प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद एंट्रेंस क्लियर नहीं करना होता, उनको फिजिकल क्लियर किया, गेम स्किल क्लियर करी और आफ्टर 12th यू कैन अप्लाई फॉर दैट जॉब और यू हैव टू गिव मेडल्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट प्ले फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड डू योर हॉबी। तो अगर आप परफॉर्मेंस बेस पे करें तो वो भी आपका एक कैरियर ऑप्शन है। परफॉर्मेंस में एक एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, आप देख रहे हो अभिषेक है जो दिल्ली से आर्चरी में, वो एक प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, या किसी भी गेम की हम बात करें जो प्रोफेशनली की तरह, क्रिकेट में बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं जिन्होंने इसको अपना करियर ऑप्शन बनाया हुआ है क्रिकेट को। परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाएगा आपका। और एज ऑफिशियल्स, इसका ऑफिशियल्स, आप ऑफिशिएटिंग करने के लिए भी एक करियर ऑप्शन रख सकते हैं। आपके पास जो प्रॉपर क्वालिफिकेशन होती हैं तो आप ऑफिशिएटिंग वहां करते हैं तो एक करियर ऑप्शन ही आएगा। मीडिया की अगर हम बात करें तो राइटर की जगह बुक पब्लिशर्स भी आपका ऑप्शन है, और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है काफी, अगर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, बहुत सारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जिनमें आप अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स टुडे लेक्चर इज इनफ फॉर यू, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक है कि डिफरेंट टूर्नामेंट्स नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल, वी विल डिस्कस इट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। फॉर टुडे क्लास आई थिंक इट्स इनफ, लेट मी सी इफ एनी कमेंट इज देयर, नो क्वेश्चन इज देयर, सो वी विल मीट अगेन टुमारो सेम टाइम 5 PM। थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग माय वीडियो एंड इफ एनी क्वेश्चन इज देयर यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई दैट क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट डे क्लास। थैंक यू।